हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन और स्वागत करता हूँ आपको फ्लाहा एकेडमी भोपाल में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संधि। नाइन्थ और टेंथ क्लास के जो व्याकरण विधि एनसीईआरटी की बुक है उससे हम संधि पढ़ेंगे और ऐसे समझेंगे कि संधि क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण विधि में संधि जो है आपका टेंथ क्लास और नाइन्थ क्लास के लिए तृतीय अध्याय है। अब संधि क्या होती है समझते हैं। अब यहाँ पर बहुत टफ लैंग्वेज यूज़ करी गई, मैं इसको अपने शब्दों में और ऐसे करके सही करूँगा। व्याकरण के संदर्भ में, मतलब व्याकरण के द्वारा ये कहा है कि संधि का जो अर्थ होता है वो वर्ण विकार होता है। और वर्ण विकार क्या है, बस यही मेन चीज़ है। वर्ण वर्ण क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए कि छोटा आ से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक, है ना। छोटा आ से ज्ञा तक जो भी वर्ण होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहेंगे, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, हुए यहीं हुआ हूँ, आ से लेके ज्ञा तक जो भी वर्ण है, इन सब वर्ण के में जो विकार उत्पन्न होगा। विकार कैसे उत्पन्न होगा कि जब दो किसी भी पदों में या पर एक ही पद के कोई दो वर्ण, जब कोई भी दो वर्ण में आपस से हम मिलते हैं और इस वजह से एक वर्ण विकार उत्पन्न होगा, मतलब कोई परिवर्तन होगा। वर्णों में विकार मतलब वर्णों में परिवर्तन होगा। छोटा आ से लेके ज्ञा तक के जो शब्द आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद उनमें कोई एक परिवर्तन होगा और उस जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। अब चूँकि आप ये परिवर्तन, चूँकि वर्ण इतने प्रकार के होते हैं तो परिवर्तन भी उसी प्रकार का होगा। अब आप देख सकते हैं कि वर्ण मुख्यतः ही हम देखते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। आपने देखा वो स्वर और व्यंजन, ये दोनों ही आप जानते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है, अजंत का कहा जाता है और इसको हलंत कहा जाता है ना। तो यहाँ पर संधि जो मुख्यतः होती है वो तीन भेद होते हैं। देखो दो तो आपके ये हुए, एक स्वर संधि और एक व्यंजन संधि। स्वर संधि को आप कहेंगे अच संधि और व्यंजन को कहेंगे आप हल संधि, है ना। मतलब जहाँ स्वर मिलेंगे, स्वर की वजह जो भी हम वो आगे समझ लेंगे। और एक विसर्ग संधि, अब चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो विसर्ग भी होते हैं अपने, है ना, इस तरह से जो विसर्ग होते हैं संस्कृत में ये भी होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर विसर्ग संधि भी समझनी है। तो आपकी तीन तरह की संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि कहा जाता है, थोड़ा सा संस्कृत में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है और विसर्ग संधि को विसर्ग संधि कहा जाता है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं अपने कहाँ से, स्वर से अच संधि से। दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण, यानी कि सीधी सी भाषा में कहें कि जब दो स्वर, आपके स्वर क्या होते हैं, छोटा आ से लेके कहाँ तक होते हैं, आहा तक, है ना। तो जब दो जो स्वर होते हैं, तो यहाँ पे आहा नहीं आया क्योंकि विसर्ग संधि में जाएगा, तो आपके पास दो तरह के स्वर होते हैं। और ये भी बता दूँ, एक होते हैं आपके लघु, लघु स्वर मतलब छोटा आ की मात्रा, छोटा आ, छोटी, छोटा हो गए ना, ये लघु, इसको संस्कृत में हर्ष्व कहा जाता है। हर्ष्व, है ना, ये जो लिखा हुआ है ना हर्ष्व, ये आपका लघु स्वर होते हैं। और ये दीर्घ स्वर मतलब जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। तो जब भी कोई दो स्वर में आपस में कोई दो, जब कोई दो स्वर आपस में मिलते हैं और उन्हें वर्ण का विकार होता है तो उसको स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, स्वर संधि क्या हो गई, जब दो स्वर वर्णों में क्या होता है मिलते हैं, दो स्वर में मिलना मतलब समीपता के कारण उनमें क्या होता है वर्ण का विकार होता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। अब स्वर संधि भी कई प्रकार की होती है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है और भी आगे है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है और वृद्धि संधि है, ऐसे करके यण संधि है और आयादि संधि है और पूर्व रूप संधि है। तो इस तरह के इसके भेद होते हैं। चूँकि अभी हम हाल फिलहाल में धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे, तो देखिएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर करें, क्योंकि ऐसे संस्कृत के हम बहुत सारे वीडियो बनाते रहेंगे। अब देखें, हम सबसे पहले आते हैं दीर्घ संधि पर। नाम से ही आ रहा है दीर्घ, इसको संस्कृत में कहेंगे अक सवर्ण दीर्घ। क्या बोलते हैं, अक सवर्ण दीर्घ। क्या होता है इसका मतलब, कि जब हर्ष्व, हर्ष्व मतलब कि लघु, छोटे वाले, या दीर्घ मतलब बड़े वाले, छोटे कौन, छोटा, छोटी, छोटा होता था रे। और स्वरों में जब अश्व या दीर्घ, छोटा छोटी ऊ, या तो छोटे छोटे ही मिल जाए रे, तो ये आकर मिलते हैं तो क्रमशः बड़े बड़ा स्वर बनता है, छोटा मतलब बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, और ये री, आपको पता है कि ये री होता है री, है ना, और ये होता है री, ये जो जो री होता है आपका ये वाला, ये आपका बड़ा होता है। जैसे छोटा होता है वैसे बड़ा होता है, जैसे छोटी होती वैसे बड़ी होती है, जैसे छोटा होता वैसे बड़ा होता, वैसे री होता है वैसे री होता है बड़ा वाला, समझ गए। तो ये दो होते हैं, अधिकतर बच्चों को जानकारी नहीं होती इसकी, तो मैंने आपको बता दिया। क्या होगा अगर जब छोटा और बड़ा, या फिर बड़ा या बड़ा या छोटा बड़ा, कोई भी मिलेगा बनेगा आपका बड़ा। जब आपका छोटी या बड़ी या बड़ी या छोटी सभी मिलके क्या बनेगी, सिर्फ बड़ी, छोटा हो और बड़ा हो, या फिर छोटा मतलब कुछ भी मिल जाए,
ऊ की मात्रा मिले ही बनेगा बड़ा ऊ, चाहे छोटे छोटे मिल जाए, चाहे बड़े बड़े मिल जाए, चाहे छोटे बड़े मिल जाए। अब ऋषि में भी री और री ये दोनों मिलके छोटे बड़े मिलेंगे तो बनेगा आपका बड़ा ही। समझ में आ गई बात आपको? जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं, ये लिखा है पुस्तक प्लस आल है। यहाँ पर देखेंगे पुस्तक में जो का है, का में आखिरी में आ होगा है ना, और यहाँ पर आल लिखा है मतलब बड़ा आ लिखा है, तो ये छोटा और बड़ा मिलके क्या बनेगा? बड़ा आ, पुस्तकाल है। यहाँ पर देव लिखा है तो यहाँ पर आ रहा है और ये बड़ा आ है, तो यहाँ पर भी देवा, देवाशीष हो गया, तो बड़ा आई बना, ठीक है ना। तो इस तरीके से है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, सही साइज का कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर दैत्य लिखा है, दैत्य मतलब क्या होगा? यहाँ पर लास्ट में छोटा आ ही आएगा और ये भी छोटा आ है, तो छोटा और छोटा मिलके बड़ा आ ही बनाएंगे। जैसे लिखा है ये दैत्य आ रही, तो क्या बन गया? बड़ा आ। क्योंकि ये नियम भी है कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, है ना, छोटा हो बड़ा मिलके बनेगा बड़ा ही। अब चाहे बड़े बड़े भी मिला दो तो भी वो आपके क्या बनेंगे? वो आपके बड़े ही बनेंगे। चाहे छोटे छोटे मिला दो तो भी वो आपके बड़े ही बनेंगे। इसी तरीके से चापी चापी, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, गिरिधनेन्द्र गिरेंद्र, कविधनीश है कपीश है, महीधनीश महीश है, नदीधनीश नहीश है। यहाँ पर देखो नदी और मही में यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ पर बड़ी की मात्रा प्लस बड़ी की मात्रा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे छोटी की मात्रा प्लस बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, क्योंकि दीर्घ बड़ी जो भी आएगा बड़ा आएगा, समझ गए। अब इसी के साथ हम दूसरी संधि पर आते हैं जिसका नाम है गुण संधि। नाम क्या है? गुण, और इसको आद संधि कहा जाता है संस्कृत में। इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसमें लिखा है यदि आ छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी या बड़ी ही आए, मतलब छोटा आ या फिर बड़ा आ, इनके बाद अगर छोटी ही भी आए चाहे बड़ी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों के स्थान पर ए आ जाता है। क्या आ जाता है? दोनों जोड़ के ए बनाएंगे। इसी तरह यदि छोटा या बड़ा आ के बाद ऊ या छोटा बड़ा ऊ आ जाए, मतलब कि जैसे अभी मात आए तो छोटा आ, या बड़ा आ के बाद अगर क्या आ जाए आपका ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, तो उनके स्थान पर ओ आ जाता है। क्या आ जाता है? ओ। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। उसी तरीके से अगर छोटा या बड़ा आ के बाद क्या आ जाए, छोटा या बड़ा के बाद आपका री आ जाए, या फिर कह सकते हैं बड़ा री आ जाए, है ना, तो भी क्या होगा उसके स्थान पे अर आ जाए। क्या हो जाएगा? अर, अर, ठीक है ना। अब जैसे हम इसको उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे उप लिखा है, उप उप मतलब यहाँ पर आ आएगा, और यहाँ क्या लिखा है? इंद्र लिखा है, मतलब ई आएगा। तो यहाँ पे आपको बन चूकी, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आ या बड़ा के बाद ई या बड़ी या, तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। ध्यान से देखें क्या बन गया? उपेंद्र, ए की मात्रा आ गई, है ना। वैसे देव में यहाँ पर छोटा है, देव मतलब छोटा, और यहाँ पे ई मतलब कि छोटी, तो क्या बनेगा आपका? ए बनेगा। बिल्कुल समझदार हो, देवेंद्र। उसी तरीके से यहाँ पर आप छोटा और बड़ी ई है, तो छोटा हो बड़ी ऊ बनेगा तो आपका ए ही बनेगा, तो हो गया गणेश, महाईश, यही है। अब जैसे यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल सरल साधारण है तो आप समझ जाएंगे। तो इसलिए आ ए और ओ वर्णों को गुण वर्ण भी कहा जाता है। ध्यान रखना पेपर में अगर आ जाए कि आ और ए और ओ वर्णों को क्या, कौन से वर्ण कहा जाता है, उनको गुण वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुण, है ना। तो इसी तरीके से और भी हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट है कि छोटा आ और ऊ मिल रहे हैं तो ओ बन रहा है। जैसे देखो भाग्य, तो यहाँ पर या में क्या आएगा? आ है, और ऊ फॉर उदय, तो यहाँ पर ऊ और उदय दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओ बना रहे हैं, भाग्योदय सर्वोदय नरोत्तम मितोदय महोदय, तो ये आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से छोटा री या बड़ा री मिलकर क्या, देखो लेकिन इस चीज़ में आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि सब जगह पहले आपके छोटा आया बड़ा आई है, तो उसके साथ बाकी की मात्रा जुड़ रही है। तो देवधन री, तो ये कोई छोटा और प्लस री, तो आपका बड़ा री बनाएंगे, ऋषि, है ना, बरसुत। तो आप समझ गए हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा था गुण। अब जनरली बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं गुण में और वृद्धि में, तो हम समझा देते हैं। अब आता है वृद्धि संधि। अब वृद्धि नाम ही हो रहा है वृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ना, इसको वृद्धि रेची कहा जाता है। वृद्धि रेची नाम, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखो जैसे अभी बात वो ये छोटा और बड़ा, अब यहाँ पर छोटा और बड़ा के बाद अभी तक क्या आ रहे थे? छोटा की मात्रा थी पूरी, छोटा बड़ा हुए यही हूँ, मतलब कहाँ तक आ रहा था? ऊ और री रीति का आ गए थे। अब लेकिन इसके बाद में ए और आई की बात हो रही है, ए आई ओ औ, समझ रहे हो। तो मतलब वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि में गुण के बाद वाली जो वृद्धि में, जो गुण में आता है छोटा आ से लेके ऋषि तक, है ना, और सॉरी गुण में, ये गुण हैगा आपका, गुण में क्या होता है? छोटा आ छोटी बड़ा ये ऊपर वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन कहाँ से चलो? तो ए से ए आई ओ औ, चूंकि आपको पता है कि अमा तो यूज करेंगे नहीं,
तो यहाँ पर अब देखो इनमें कहा भी जाता है जो छो बड़ा आ आई और अव को वृद्धि वर्ण कहा जाता है। तो गुण वर्ग और वृद्धि वर्ण आपको पता है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इसमें क्या कह दिया कि अगर छोटा आ और बड़ा आ के बाद ए और आई आए तो वो आई बन जाता है। देखो वहां पर ए बन रहा था, यहाँ पर आई बन रहा है। तो देखेंगे ये मम तो आ और ए तो ये तो क्या होगा ममेव। तो देखेंगे आप आई की मात्रा आ गई ना, आई की दो मात्राएं होती है ध्यान रखें और ए की एक मात्रा होती है, तो बिल्कुल सिंपल है। उसी तरीके से अगर आ और आउ का आउ और ओ आता था, आउ बनता है, वहाँ पर ओ बन रहा था तो जल धन ओ जलो। तो ध्यान रखना छोटी मात्रा है तो इसका मतलब है कि वो आपका गुण है और बड़ी मात्रा है तो वृद्धि है। तो बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में नई संधि है आपकी यण संधि। क्या है आपका यण, इसको इको यणची कहा जाता है। इको यणची ध्यान रखिएगा, इको यणची इक एक वर्ण कौन सा था, ई ऊ री ल, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपके माहेश्वरी सूत्र से मिले हैं के स्थान पर यण यवर ल हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सी साधारण सी चीज है कि क्या ई का या ऊ का व और आपका री का रा और आपका ल ल का ल, ये जो ली होती है ल, इसका ला। बिल्कुल सिंपल सरल साधारण सी बात है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे बकायदा लिखा है कि जब ई बड़े ई और बड़ी ऊ और बड़ा ऊ री और बड़ा री 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 तथा लुर के बाद कोई असमान स्वर, असमान मतलब समझ रहे हो, जैसे ई को या ऊ को वा और रा को रा और लुर को ला का आदेश होता है। जैसे हम समझते हैं असमान कैसे, असमान समझाता हूँ मतलब कि जहाँ पर समान चीज ना मतलब अलग अलग आ। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये यदि या ई की मात्रा और यहाँ आ है, तो ई और आपको अभी पता था ई और आ क्या बन जाएगा आपका यदपि, क्या होगा ये धा में या लग गया। आपको अभी समझा है कि ई के बाद क्या आएगा या, तो ये होगा यदपि। यति ई और आ देखो अलग अलग असमान मतलब एक जैसे स्वर नहीं है ना, जैसे ये ई है और ये बड़ा आ है तो दोनों असमान स्वर है, तो आपको पता है ई और आ मिल के क्या बनाएंगे, बनाएंगे तो यही बनाएंगे, तो इत्यादि हो गए। ये देखो या ई आ ना, ई के साथ क्या आ रहा है या आ रहा है। वैसे देखो यहाँ पर ये ई है मतलब घुमा फिरा के देखा जाए तो असमान स्वर, असमान स्वर मतलब अलग अलग स्वर होते हैं, तो ये चीज होती है, ठीक है। अब जैसे हम और आगे देख लेते हैं एक आध बढ़ा के, जैसे यहाँ पे ये ऊ है, ये ऊ है और ये आ है, ऊ और आ मिलके क्या बनाएंगे वा बनाएंगे। ये र र और ये आ है तो वो आपका क्या बन जाएगा ल ल, तो वो त्र हो गया, समझ गए। तो ये बड़ा रा हो गया, रा रा री का रा ल का ल, इससे बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब आते हैं अयादि संधि पे। नेक्स्ट संधि आपकी अयादि संधि है। अब अयादि संधि क्या देख लेते हैं। अयादि संधि को एच ओ आई वायावा कहा जाता है। अब यहाँ पर अयादि बिल्कुल यण से आगे की है, जब ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए को आए, आई को आए, ओ को अब और इसको आब हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख लेते हैं ने मतलब यहाँ पर ए की मात्रा आ रही और आ, तो आपको पता है जब ए के बाद आपका ए के बाद में अगर कोई भी स्वर आता है तो आय हो जाता है। तो देखो नय आयन तो नयन, ए की मात्रा और आ तो आपका देखो ये आय हो गया, आय आय तो शयन है ना, आय आय आय। अब आ तो लिखेंगे नहीं, आ की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए छोटा आएगा, लेकिन देखें आप आई हैं, क्या है ये आई 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 की मात्रा मतलब आई पे ए की मात्रा आई और यहाँ पर आ गया, तो आपको पता है ये बड़ा तो आय बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे बड़ा आय आ गया। आय आय में ऐसे डंडा होता है तो नायक। अब भो और आ, अब आपको पता है कि भो ओ में तो ये क्या अब बनेगा, क्या बनेगा अब, तो आ का अब तो डंडा लगता है, तो डंडा लगा नहीं तो भव हो गया भव, लेकिन औ ओ ये आपके भावना और आई की मात्रा हो गई तो ये हो जाएगा भाव, समझ में आया। बिल्कुल औ की मात्रा और ई तो भाविक, तो ये बिल्कुल सिंपल सरल साधन आयादि संधि हो गई। अब आते हैं पूर्व रूप संधि, इसको एडह पदांति दति किया जाता है। पूर्व रूप संधि को अयादि संधि का ही अपवाद कहा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो पूर्व रूप संधि होती है उसको अयादि संधि का अपवाद कहते हैं। कैसे आप समझ जाएंगे कि अगर किसी पद के अंत में ए और ओ के बाद यदि आए हाउस मतलब छोटा आए, तो अपन क्या कर रहे थे उसमें आए आ रहा था, आए कर रहे थे या अब आए अब कर रहे थे, लेकिन अगर पूर्व रूप संधि में ए का एकादेश ओ और आ के साथ होने पर ओ हो जाता है, अर्थात ए और ओ के पश्चात आने वाला आ अपने रूप ए ओ में ही विलीन कर छुपा होता है, और इस जो विलीन हो जाता है, विलीन मतलब आ को हम पूर्णतः लिपि में
इस तरह से एस के फॉर्म में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एस ऐसे। तो ये जो आपने कभी भी देखा होगा ये आ होता है। क्या होता है? ये आ। चलिए अब हम यहाँ से समझते हैं कि कैसे क्या करना है। हम तो कैसे समझते हैं, जैसे आप ध्यान से देखेंगे, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हरे अत्र। तो अब जैसे आपको पता है कि ए की और आई की तो आय आ जाएगा, हरे अत्र हो जाना चाहिए था, परंतु यहाँ पर हरे अत्र नहीं होगा। ये क्या होगा? अब चूंकि आयादि होती थी, लेकिन ये क्या हो गया आपका? ये आपका देखो, ये आपका ते धन अपी। तो यहाँ पर आ की जगह जो आ होता है आ, वो आपका ये एस जैसा बन जाता है। ये बिल्कुल छोटा आ होता है, ये ध्यान रखें, इसको छोटा आ पढ़ेंगे। ते अपी हरे, तो ये आपका ये आ गया। तो ये पूर्व रूप संधि की पहचान होती है, आप देख सकते हैं कि यही पहचान है इसके। तो गाइज यही मेरे हिसाब से संस्कृत जो आपकी संधियाँ थी, स्वर संधि ऐसी टाइप की थी, और आपको इसी के फॉर्म में पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई और की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही आपके लिए काफ़ी है। अब हमें आना चाहिए व्यंजन संधि पर। कहाँ आएंगे अब हम? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आप जानते हैं, इसको क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है हल संधि। हल संधि कह सकते हैं, है ना। अब व्यंजन आप खुद जानते हैं कि व्यंजन कहाँ से चालू होते हैं? का कबूतर से, का से, है ना, ज्ञा तक, ये पूरे व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन में आप जो ज़्यादातर आपको पता है कि कावर्ण कहते हैं, कावर्ण मतलब का की मात्रा, चावर्ण मतलब ता चा की मात्रा, तावर्ण मतलब ता की मात्रा, टावर्ण मतलब टा की मात्रा। ये चार मेन होते हैं बेसिकली देखा जाए, चा की मात्रा, का की मात्रा, ता और डा, ये वर्ण, इनमें ही हमें समझना है। तब व्यंजन की क्या, इसकी क्या विशेषताएँ हैं? अब जैसे स्वर में तो ये था कि जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो जो वर्ण विकार होगा, लेकिन व्यंजन में ऐसा नहीं। व्यंजन में होता है कि व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन, ध्यान रखें कोई भी व्यंजन आएगा पहले, लेकिन उसके बाद स्वर भी आ सकता है और कोई भी व्यंजन भी आ सकता है। तो उनमें जो भी विकार उत्पन्न होगा उनके मिलने से, जो भी विकार परिवर्तन होगा, उसको व्यंजन या हल परिवर्तन कहते हैं। हल मतलब वही आपका व्यंजन संधि कहा जाता है ना। तो अब जैसे देखिएगा व्यंजन संधि के भी स्पेशली नाम चलते हैं, जैसे वहाँ पर अपना स्वर संधि दीर्घ संधि था, वैसे यहाँ भी अलग अलग संधि हैं। तो इनके जो नाम में ही इनका मतलब छुपा रहता है एक्चुअल में। ये नाम अगर आपको सही से समझ में आ गया तो सब आ गया। इसमें लिखा है सचुत्व शचुत्व स्तो सचुना स्तु। अब ये सचुत्व, ये शा क्यों आ रहा है? शा और चा का क्या सब लफड़ा है? अब देखो यही समझ में आएगा। अब ये समझना जरा बात को, क्या कह रहा है? डेफिनेशन आंसर स या ता वर्ग, सा सा शब्द की बात हो रही और ता पूरे वर्ग की बात हो रही। वर्ग का मतलब पूरी ता की लाइन, ता था दादा न, ता था द धन, या सा या पूरा ता वर्ग का जो शा या चा वर्ग। ध्यान से देखो ये शा और ये ता वर्ग की तुलना हो रही है का, शा या चा वर्ग, चा छा जा जा रहा उआ उंगा, है ना, के साथ आगे या पीछे योग होने पर शा का शा हो जाता है। जो सा होता है इसका शा हो जाता है और ता का चा हो जाता है। मतलब कि जो सा जो है वो घुरड़ी वाला शा बन जाता है, और जो आपका ता होता है ता आपका चा वर्ग बन जाए। अब चा वर्ग कह रहा है वो, ये बात जरा समझना। चा वर्ग का मतलब क्या होगा कि ता का तो बनेगा चा, और आपका जो था होगा था का बनेगा आपका छा, और दा होगा दा का बनेगा आपका जा, और धा होगा धा का बनेगा आपका जहा, और ना का उआ बनेगा। ये इसका लॉजिक है, अपन समझ लेते हैं ना। चलिए देखते हैं क्या इसका क्या सिस्टम है। मानस, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। मानस सा, क्या देख रहा है? सा, सा का किसके साथ संचय हो रहा है? चा। तो सा प्लस चा क्या बनाएंगे? यहाँ पर आपको चूंकि पता था ये सा में हलंत लगा है, क्या लगा है? सा में हलंत। हलंत का मतलब आधा शब्द होता है, तो इसलिए सा जो है सा का क्या बनेगा? आधा शा। अभी जैसे यहाँ बताए सा का क्या बनेगा? चा। तो पूरे आधे शा का आधा शा बना, तो क्या हो जाएगा? मान मान, और ये इसकी जगह क्या लेके जाएंगे? मनुष्य चलती, समझ गए? रामश, ये भी हलंत लगा है मतलब आधा शा बनेगा, और ये वाला शब्द शा लिखा ही है, तो ये हो जाएगा शा शेते। तो मतलब घुमा फिरा के जो शा है शा, इसका क्या बन जाएगा? सिर्फ शा बन जाएगा, बाकी तो सेम टू सेम है ही, जैसा जैसा तक लिखा हुआ है, समझ गए? अब इसके बाद में तावर्ग और चावर की लाइन पे आते हैं। अब ये देखो चा है, ता है, और ये चा है। जब ता और चा मिलेंगे तो क्या बनेगा? चा बनेगा। अब चूंकि ता में हलंत लगा है, हलंत मतलब होता है आधा शब्द, इसलिए चा भी क्या बना आपका? आधा बन गया, समझ गए? ता 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 ता, ता में जो भी, समझ गए? ता जो किस में कन्वर्ट होगा? सिर्फ चा में होगा। बिल्कुल सिंपल सरल साधारण सी बात। अब चूंकि आप समझ गए आधा शब्द क्यों बना, क्योंकि वो आधे में हलंत का मतलब यही होता है। तो आप समझ गए कि
ता जो है वो किसी भी चावर्ण से मिल जाए, ता जो है वो किसी भी चावर्ण से मिल जाए बनेगा वो चाई, क्या बनेगा वो चा, समझ गए। अब यहाँ पर जा द, तो द की जगह जा गया तो जगत जननी हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है षटुत्व, षटुत्व। अब यहाँ पर फिर से समझने वाली बात, नाम से ही आ रहा है, उसमें बन रहा था गुड़री वाला सा और इसमें बनेगा आपका षटकोण वाला सा, यही इसमें आपको समझना है थोड़ा सा। वहां पर ये क्या लिखा है षटुत्व, शा शा लिखा है तो इसमें आधा शा और चा की लाइन थी, यहाँ पर टा टा नाम आ रहा, देखो अब टा षणुत्व षणुत्व, देखो इसमें उसमें चा शा और चा था, सा और चा में परिवर्तन हो रहा था और इसमें होगा शा और टा में। देखते हैं अभी यार, यदि शा जो है शा या तावर का तावर का शा टावर्ण ये टा ठा ड ढ के साथ आगे पीछे योग होता है तो जो शा है आपका सा सरोता का सा षटकोण बन जाएगा और जो तावर्ण है उसकी जगह टावर्ण आ जाएगा, ठीक है। जो ता की जगह क्या जाएगा टा, वहां पर क्या आ रहा था टा, ता की जगह चा आ रहा था क्योंकि वो सा चुत्व और ये जो है आपका सा षटुत्व तो यहाँ पे टा आ रहा है तो शा और टा वर्ण में परिवर्तन होगा। अब जैसे कि देख लेते हैं अपन, देखो ये शा है और ये शा है तो इससे आधा शा क्यों बन रहा है क्योंकि हलंत लगा है, टा वर्ण में तो ये टा है, ये टा है तो ये आधा टा बन रहा है तो टट्टीका, जैसे ये हो रहा है टट्टीका यत्र यट्टीका तो ये क्या हो जाएगा यट्टीका, उत्डयन तो उड्डयन हो गया उत्डयन उड्डयन, ठीक है ना। ये आधा डा इसके नीचे हलंत लग जाता है किसी भी नंबर शब्द के नीचे तो वो आधा हो जाता है, तो आप समझ पा रहे होंगे ये बात बिल्कुल, इसके नाम में लिखा हुआ है नाम से बिल्कुल लेना देना है। अब जहाँ पे खुद समझ सकते हैं ये लिखा है जशत्व, क्या लिखा है जशत्व, तो पद के अंत में अगर झल के स्थान पर जश हो जाता है, झल नाम ही इसका नाम झला नाम झलाम जशोन्ते। अब जरा समझे, झलो वर्ग में प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्वर्ण शा शा गुड़री वाला षटकोण वाला सा तथा हा कुल 24 वर्ण होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से झल के स्थान पर जश में जा व ग ड ड होता है तो वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, ध्यान रखना उसी वर्ण का तृतीय वर्ण होगा। तो शा गुड़री वाला मतलब जो आपका षटकोण सा है गुड़री वाला सा, सा के स्थान पर शाह के स्थान पर क्या डा आता है, अन्य का उदाहरण प्राय नहीं मिलेगा, ऐसा कोई ऐसे ज्यादा है नहीं है, बस यही है। जैसा आप ध्यान से देखिएगा वाक धन ईश, जरा इस बात को समझिएगा वाक धन ईश, तो का प्लस स्वर, तो यहाँ पे स्वर क्या आएगा कुछ नहीं तो तृतीय वर्ण में क्या आएगा, का तृतीय वर्ण कौन सा है का ख ग, देखें का कबूतर खा खरगोश ग गमला घ गड़ियेगा तो इस वाले में का ख ग तो ग कौन सा तृतीय वर्ण है, तृतीय वर्ण ग प्लस स्वर तो क्या हो जाएगा बागीश हो जाएगा, समझ में। वाक धन ईशत क्या हो जाएगा बागीश, जगत धनी जगत और यहाँ पर स्वर तो यहाँ पर तृतीय वर्ण क्या होगा ता ता था द धा और ना, तो ता वाली लाइन में तृतीय वर्ण क्या होता है द होता है इसलिए यहाँ पर जगदीश हो गया। पा पतंग फा फल बा बकरी तो बा आ रहा है, तृतीय वर्ण जो भी है वो सब इसमें आके जुड़ रहा है। अब आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली इतनी वो नहीं है कि दिक्कत है, तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वाली है, ये नेक्स्ट का क्या नाम लिखा हुआ है, नेक्स्ट का नाम लिखा हुआ है चत्रब खारीचा। अब जहाँ समझ लो जरा बात को, यदि वर्गों का का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग और पा वर्ग यही होते हैं कि द्वितीय या तृतीय चतुर्वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण शा डाड़ा पहले आने पर, अब यहाँ पर ध्यान से देखें सब प्रथम वर्ण हो जाता है, कौन सा वर्ण हो जाता है प्रथम, तो द और का, तो द और का इसमें सबसे पहले द वाली लाइन में कौन सा होता है ता तराजू इसलिए ता हो गया, भा वाली में कौन सा होगा पा वाली लाइन तो ये पा, ग वाली कौन सी का वाली लाइन है इसलिए का हो गया, तो यहाँ पर प्रथम वर्ण हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बाकी के मेरे हिसाब से आपको पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं, बस इतना ही वो कर लेंगे बेशक तो काफ़ी है, ठीक है। लत्व है छत्व है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चागम आगम कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं विसर्ग संधि पर, कहाँ आते हैं अब हम विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में भी आपका जो कि जिस तरह नाम से ही है, तो विसर्ग सबसे पहले आपको पता है विसर्ग ये होते हैं, ये दो बिंदी रख दी विसर्ग हो गया, तो विसर्ग के पश्चात विसर्ग संधि का क्या होगा, विसर्ग के पश्चात स्वर हो चाहे व्यंजन इन वर्ण के आने से विसर्ग के स्थान पर कुछ परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन को क्या कहा जाएगा विसर्ग संधि कहा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा इनके नाम में ही इनका मतलब छिपा रहता है, इसमें लिखा है सत्व, क्या लिखा हुआ है सत्व, अगर विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्णन प्रत्येक वर्ण प्रथम द्वितीय वर्ण में
आप जैसे देख सकते हैं कौन कौन है, शा, गुडरी वाला और षटकोण वाला और सा। हो तो विसर्ग में सा हो जाता, मतलब इन तीनों में, ये तीनों में सा हो जाएगा, जैसे कि हम ध्यान से देख सकते हैं। और अगर और देखें ध्यान से, और अगर विसर्ग के बाद शा हो तो विसर्ग के स्थान पर ऐसा आएगा, यदि टा ठड्डा हो तो टा टमाटर या ठाठटेरा हो तो विसर्ग में षटकोण हो जाएगा। अब जरा बात को समझिएगा और इसको फिर समझिएगा। नमः तो ये विसर्ग और ता है, तो आपको पता है ता वर्ग होगा तो सा आएगा, तो नमस्ते हो गया। बालक का वर्ग हैगा और ता जोड़ा है, तो इसमें वही ता है, तो ता है तो चा है। अब आपको समझना पड़ेगा अगर चा आएगा तो चा के साथ क्या हो जाएगा, जैसे कि व्यंजन में था तो शा आ जाता था, ये वाला निश्चल हो जाएगा। रा तो विसर्ग और छे मतलब छा है, तो ये भी शा आएगा, क्योंकि चा वाली लाइन में ये वाला शा होता है और टा वाली लाइन में ये होगा। तो समझ गए, ता वाली लाइन में आपका सा होगा और आपका चा वाली लाइन में आपका शा होगा और आपका टा वाली लाइन में आपका ये वाला शा होगा। बिल्कुल सिंपल सरल साधारण, ठीक है। अब इसके बाद में आता है, ये तो था आपका सत्व, अब आता है षड्व, मतलब गुडरे आपका यहाँ पर षटकोण वाला सा। अगर विसर्ग के पूर्व ई की मात्रा या ऊ की मात्रा हो और उनके बाद का खा गा या पा फा में कोई भी वर्ण होता है, विसर्ग के बाद कौन सा आपका शा गुडरी वाला आएगा। तो देखें का है और विसर्ग के बाद ई की मात्रा है, पहले कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा। आपको ध्यान रखना ई की मात्रा या ऊ की मात्रा का सिस्टम है यहाँ पर। तो ई की मात्रा आएगी तो आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग और का, तो ये आपका देखो शाह आएगा। ई की मात्रा और पा रहा है, जैसे कि देखा गया का खा गा पा फा, तो आपका ये आएगा। और अगर ऊ की मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो, तो आपका ऊ और का मतलब ये भी आएगा। तो इस चीज़ का बकायदा ध्यान रखा जाए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि यदि नमा और पुर के बाद काका का पापा विसर्ग सा होता है तो नमा धनकार है, तो आपको पता ही कि नमस्कार ही होता जो हमने अभी पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको समझना रहेगा, थोड़ा सा अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो टेंथ वालों को यही पूछेंगे विसर्ग है कि नहीं है, बाकी ये नहीं पूछते कि कौन सा सटव है कि क्या है, लेकिन रीट वालों से पूछ लेते हैं ना। तब इसका विसर्ग का रुद्व उद्व गुण तथा पूर्व, ये सब आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें आपको कोई खास नहीं आएगा टेंथ वालों के हिसाब से, ना ही आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है। बस गाइज, तो इसी के साथ आपका जो पूरी संधियाँ थी वो आपकी फिनिश होती हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये संधि वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप, मैं अभी क्लास 9th और 10th के लिए बताया था, अगर इस वीडियो में आप चाहें तो जो सी टेट के बच्चे हैं वो भी इससे हेल्प मिल सकती है, रीड के बच्चे उनको भी हेल्प मिल सकती है और जो एम पी टेट वाले हैं उनको भी हेल्प मिल सकती है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सी टेट रीट ए वाले हैं इनको और भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 9th 10th के हिसाब से पढ़ा है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट भी किया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।